So hello friends, today we have started a new class. In this class we are going to study about active and passive. Active और passive के कुछ practice sentences हम study करेंगे आज, ठीक है? Last video में आपने active passive को देखा था, आज हम उसकी practice करेंगे कुछ sentences के साथ. So let's start without any further delay. So first sentence मैं निकिता आपसे पूछता हूँ, बच्चों को पढ़ाया जाता है. आपको 10 सेकंड मिलते हैं इस सेंटेंस के लिए. द चिल्ड्रन आर टॉट. देखिए, बच्चों को पढ़ाया जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जाता है, जाती है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है. इसमें डू डज लगता था एक्टिव वॉइस में, तो अभी हमने इसमें इज एम आर का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अगेन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, कि सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है. बच्चों को पढ़ाया जाता है, द चिल्ड्रन आर टॉट. ओके, सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ज्योति आपसे, घर की सफाई की जाएगी. द होम वॉज क्लीन्ड. यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है ज्योति से, जिसको अभी ठीक करेंगे निकिता. आप बताएं निकिता, क्या गलती हुई है इनसे? सर, सेंटेंस बताएं आप, क्या बनना चाहिए? घर की सफाई की जाएगी. द होम विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में चला गया है, जाएगी. द होम विल बी क्लीन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रीतम आपसे पूछता हूं, बच्चों को पढ़ाया जा चुका है. The children have taught. अब देखो, इन्होंने सेंटेंस बोला द चिल्ड्रन हैव टॉट. एक छोटी सी गलती अब इनसे भी हो गई है यहाँ पे. निकिता, आप इसे ठीक कर सकते हैं? यस सर. बोलिए. The children have been. जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था लास्ट, कि अगर जिस एक्टिव वॉइस में पहले से ही थर्ड फॉर्म लगती है, तो वहां पे आपको बीन जरूर लगा लेना है. हैज हैव हैड के साथ बीन लग जाएगा. तो द चिल्ड्रन हैव बीन टॉट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जसविंदर जी आपसे पूछते हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं. द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड. वेरी नाइस सेंटेंस, आपने बहुत अच्छा बनाया. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गाइस, कि रहा है, रही है, जहां पे आईएनजी पहले लगता था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऐसे सेंटेंसेस में बीइंग का यूज किया जाता है. तो द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड. वेरी नाइस. नेक्स्ट सेंटेंस निकिता आपसे पूछते हैं अगेन, अंग्रेजी बोली जानी चाहिए. The English should be spoken. देखिए, इन्होंने सेंटेंस बहुत अच्छा बोला, द इंग्लिश शुड बी स्पोकन, एक्यूरेट है, लेकिन एक छोटी सी गलती इन्होंने यहाँ पे की है, द लगा दिया है. द किसी भी भाषा के साथ नहीं लगाया जाता है, ठीक है? तो इंग्लिश शुड बी स्पोकन, ये बोलना है इनको, ठीक है? वैसे आपका सेंटेंस ठीक था. हाँ जी, ज्योति आपसे पूछते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को सजा दी जा सकती है. The children can be punished. As I told you guys, should, can, must, may, might, used to, इन सब के साथ be का use करें passive voice बनाते वक्त. The children can be punished. बच्चों को सजा दी जा सकती है, ठीक है? प्रीतम आपसे पूछते हैं next sentence, कपड़ों को इस्त्री किया जा रहा था. The clothes was iron. आप बार बार यही गलती कर रहे हैं प्रीतम. आपको नोटिस करना है कि जब आईएनजी लगता था पहले, वहां पे बीइंग जरूर लगाना है अब. और सेकंड गलती आपने की, क्लोथ्स प्लूरल हो गए हैं तो वर आएगा. तो कैसे बनेगा सेंटेंस ठीक? The clothes were being ironed. Were being आएगा यहाँ पे. Understood? Okay, next. जसविंदर जी आपसे पूछते हैं हम, बच्चों को
पीटा जाया करता था। बच्चों को पीटा जाया करता था। The children used to be beaten. हाँ, very correct. Confidently बोलिए। The children used to be, देखो पुराने समय की बात हो रही है तो used to be. The children used to be beaten. अब इस सेंटेंस को देखो ऐसे भी थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। The children used to be beaten with stick. छड़ी से पीटा जाया करता था, है ना? पहले के टाइम में स्कूलों में बच्चों को पीटा जाया करता था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस पैसिव में बनते हैं। ओके, सो गाइस होप यू हैव अंडरस्टूड। इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी सेंटेंसेस देखिए और बनाइए। होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या गलतियां होती हैं हमसे अक्सर और इन गलतियों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू।